कौन से पिक्चर सिलेक्ट किए तूने? सबके सब शक्ल से लूजर्स है। कुछ भी भाई, इतने भी बुरे नहीं है, ओके? चिल सिस्टर, ये तेरे बस की बात नहीं। इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन मुझसे बेटर कोई नहीं ले सकता। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ये देख मैंने कुछ सिलेक्ट किए, ये देखो। ये सिलेक्ट किया है आपने भाई? हाँ। हो क्या गया है आपको? ओ पल्लवी क्या हो गया, ऐसा चेहरा क्यों बना रही है? तो दिखा मुझे क्या है? ये देखो भाई, क्या सिलेक्ट किया है भाई ने। इस मोटू की चॉइस और इसके खुद के साइज में ना कोई फर्क नहीं है। वैसे नॉट बैड यार, सब खाते पीते करके तो है। ज्यादा ही खाते पीते नहीं है, इनमें से तो एक भी दी के लायक नहीं है। तेरे को बड़ा कुछ पता है? हाँ, और वैसे ये डिसीजन बीजी लेगी, ठीक है? किस बात पे लड़ाई हो रही है? हमारी चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं मिलती दादी। अब देखो ना भाई ने कैसे लड़के सिलेक्ट करे। ओ भाई जैसा भी हो, लड़का मोटा हो चलेगा। पर दादी इसमें तो सारे सारे मोटे हैं। ओ बेवकूफे, मोटे से मेरा मतलब है मोटी मालदार पार्टी, बस दहेज का लालची ना हो। भाई मैं तो ऐसे दकिया नूसी रिवाजों पे ना बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। पर फिर भी बिजी, लड़का दिखने में भी तो सुंदर होना चाहिए। अब आप अपनी चुटकी को ही देख लीजिए, कितनी सुंदर है वो। बोल चुकी रेखा रानी, अब सुन। ओ भाई लड़कियां तो सारी अच्छी होती हैं। अब हमारी लड़की सुंदर है तो रूप रंग में हमारा पलड़ा भारी हुआ है कि नहीं? और लड़के वालों का पलड़ा भारी होना चाहिए धन दौलत और रुतबे में। चलो चलो जल्दी काम पे लगो भाई, दो चार अच्छी सी तस्वीरें सिलेक्ट कर लो, फिर मैं इनकी कर्म पत्र जन्म पत्री मिलवाऊंगी ताकि पता चल जाए कि कौन कितने पानी में। शाबाश, जल्दी करो। ओ भाई मेरी और अपने दादाजी की चाय ना हमारे कमरे में ही भेज देना। आओ बेचे। दे पल्लवी एल्बम दे, मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये बहुत पैसे वाला लग रहा है, इसने तो गोल्ड की चेन भी पहनी हुई है। पैसे की बातें करते रहो तुम लोग, लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए ना। मैं देखती हूँ। वाओ कितना हैंडसम है। दिखा दिखा। कितना परफेक्ट है। माँ माँ ये देखो। हाय रब्बा, ये मुंडा तो वाकई में सोना है ना। चुटकी वो छोड़ना, जरा एक नजर तो फेंक। चाची आप भी एक बार देख तो ले, सोना मुंडा है। चाची ये सारे हैंडसम लड़के ना एक नंबर के बेशरम होते हैं, एक साथ तीन तीन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उनको धोखा देते हैं। इन लोग के लिए तो शादी जैसा पवित्र बंधन भी टाइम पास होता है, पर मुझे कोई टाइम पास नहीं, जीवन भर का साथी चाहिए, सच्चा साथी। जी कहिए क्या काम है? वही जो आपकी रोजी रोटी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा रिश्ता डियोल्स के घर ले जाओ, देवी का दुगनी कीमत दूंगा और सोने की चेन भी। सोने की चेन? आइए आइए अंदर आइए, आइए अंदर आइए, आइए बैठिए बैठिए। लेकिन आप ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, इसके पहले कि कोई और लंगूर टपक जाए। ना जी ना, आप तो बिल्कुल फिकर ना करिए, मैंने तो आपको पहचान लिया और बड़े बड़े फोटो लगे हैं ना आपके बाहर। सावित्री जी को जैसा चाहिए था वैसा ही रिश्ता मिल गया, बस उनको दो मिनट लगेंगे हाँ करने में। मुझे सावित्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी पोती में, पोती जी हाँ होनी चाहिए। बस एक बार सावित्री जी हाँ कर दे रिश्ते के लिए, सबने उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। देख लेना मैं आज ही रिश्ता लेके जाती हूँ। इतनी देर हो गई है, अब क्या करूं? देविका को फोन करती हूं। हेलो हेलो देविका। हाँ तनु बोल। एक प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ? हमने जो अजी के लिए शेरवानी सिलेक्ट की थी ना, वो आज हम नहीं दिखा पाएंगे। वो पापा को ना आउट ऑफ टाउन जाना पड़ रहा है किसी काम से, और ऊपर से मैं इस मार्केट में ही हूँ। तो क्या मैं कल आ सकती हूँ? तू प्लीज दादी से कह देगी? वो तो मैं बता दूंगी तनु, लेकिन इतनी रात हो गई है, 9 बज रहे हैं, तू घर कैसे जाएगी अकेले? हाँ यार निकल तो गई थी टाइम से, पर उस टेलर ने फाइनल स्टिचिंग को इतना ज्यादा टाइम लगा दिया और खामखा मुझे यहाँ फंसा दिया। और तुझे पता है ये मार्केट घर से कितना दूर है? अच्छा तू है कहाँ पर अभी? मैं एमजी रोड पर हूँ। एमजी रोड? वो तो इतना दूर है। तनु तू तुरंत ऑटो ले और निकल वहाँ से। हाँ देविका मैं बस अभी निकल रही हूँ। अच्छा सुन, अपना ख्याल रखना और घर पहुँचते ही मुझे कॉल करना सबसे पहले, दादी को मैं बता देती हूँ। हाँ देविका।
दादी अबे क्या है, देख नहीं रहा, जरूरी काम कर रही हूँ, डिस्टर्ब ना कर, जो कहना ना जल्दी जल्दी बोल। दादी वो तनुश्री का फोन आया था। तो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि वो लोग अजय भैया के शेरवानी देने के लिए कल आएंगे, एक्चुअली आज उसके पापा कहीं शहर से बाहर गए इसलिए उसको खुद ही जाना पड़ा। वो इतनी रात को अकेली लड़की घूम रही है मार्केट में, है? ये ठीक बात नहीं है। मैं करती हूँ उसकी माँ से बात, ये कोई तरीका है जवान जहाँ लड़की को आधी रात को भेज देते हैं मार्केट अकेले? है नहीं दादी, वो अकेली नहीं है, उसकी मम्मी गई है उसके साथ। अच्छा तो ठीक है, कह देना उनसे कि मैं कल इंतजार करूंगी उनका। जी। ओ गॉड, कोई ऑटो रुकने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या करूं? ऑटो, ऑटो! एक्सक्यूज मी, लिफ्ट चाहिए तुम्हें? नहीं। आप शैलेश शंकर के बेटे के दोस्त हो ना? तुम घर जा रही हो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके। थैंक्स। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, तनु नाम है ना तुम्हारा, सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। अपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? हो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे है तो हम लोग पार्टी मनाने जा रहे थे। आई होप यू डोंट माइंड। लेकिन हे कैसे हो भाई? बढ़िया, कहाँ रह गए थे? अरे यार बस यूं ही। अरे वो जिसकी बर्थडे है ना उसे आगे से पिक करना है। यार ये आगे जो रोड है ना वो ब्लॉक पड़ी है, शायद कुछ काम चल रहा है, मेन हाईवे से ले ले। चलो वहीं से ले लेता हूँ यार, बढ़िया है। अब प्लीज गाड़ी यहीं पर रोक दो, मैं यहीं से चली जाऊंगी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। जो तेरा घर वो मेरा घर, जो मेरा घर वो तेरा घर। अब प्लीज गाड़ी यहीं पर रोक दो, पहले पार्टी में ले चलेंगे फिर घर ड्रॉप करेंगे। ओके बेबी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज गाड़ी यहीं पर रोक दो। अरे अरे चुप कर, क्या कर रही है? हेलो। अरे क्या चल रही है? शादी होने वाली है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तनु, हेलो तनु, प्लीज गाड़ी रोक दो। एकदम चुप। तनु क्या हुआ? अरे यार तू पटियाला, तू पटियाला हाईवे से ले, मैं बता रहा हूँ तेरे को, सुंदर रास्ते वो। चल चल पटियाला हाईवे से लेता हूँ, वहीं सुहागरात मनाएंगे इसके साथ। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा। हे अम्मे माँ, बस वक्त पर मुझे वहाँ पहुँचा देना। ऑटो, ऑटो, पटियाला बाईपास रोड, भैया जल्दी। ये क्यों आ रहा है वहां? कौन है वो लोग? गाड़ी ऐसी खुली छोड़ दे भाई, फिशी कुछ तो गड़बड़ है। लड़की का दुपट्टा, मतलब वो लोग किसी लड़की को उठाकर, उनकी तो मैं कैसे एक लड़की के साथ इतना बेरहम हो सकता है? इंसान के रूप में कैसे कैसे जानवर रहते हैं इस दुनिया में? इससे
पहले तनु के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, मुझे वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। तनु मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरी होने वाली भाभी भी है। मुझे मुझे किसी भी तरह उसे बचाना है। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। तुम्हें जितना चिल्लाना चिल्ला लो, हम तीनों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है, समझी? अरे अरे, 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 अरे कहाँ भाग रही हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अरे भाई ये तो बेहोश हो गई। अरे तो सही है ना, अपना काम और आसान कर गई।